हाय, मेरा नाम है रिद्धिमा तिवारी और आप मुझे देख रहे हैं जनसत्ता पर। राजमहल प्यार नहीं, सिर्फ फैंटेसी नहीं, मैजिक भी है, मिस्ट्री भी है, ड्रामा भी है, ईविल भी है, डार्क भी है। चंद्रलेखा क्योंकि चंद्रलेखा है, इसलिए आप सुनैना को जानोगे एक रोशनी की तरह। अगर मैं प्यार नहीं करूंगी तो मैं उसकी हर प्रॉब्लम कैसे समझूंगी, और अगर उसकी हर प्रॉब्लम नहीं समझूंगी तो उसे कन्विंसिंगली कैसे निभाऊंगी, कैसे ऑडियंस को कन्विंस करूंगी। हाय रिद्धिमा, फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस, डाकिनी बने हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? इश्क का सुहाना सफर क्या डाकिनी का किया है? मैं तो यही चाहूंगी कि दर्शक खुद ये डिसाइड करें कि डाकिनी का कहर ज्यादा अमेजिंग लग रहा है या इश्क का सफर, क्योंकि दिखाने तो हम बहुत ज्यादा, मतलब बहुत और चीजें हैं, सिर्फ प्यार नहीं, सिर्फ फैंटेसी नहीं, मैजिक भी है, मिस्ट्री भी है, ड्रामा भी है, ईविल भी है, डार्क भी है, यू नो, गुड भी है। तो ये तो उनको डिसाइड करना है कि उनको गुड साइड पे रहना है या डाकिनी इतनी प्यारी लग रही है कि बैड साइड पे आ जाना है। सो आई लीव इट टू द ऑडियंस। मैं तो बड़ी खुश हूँ डार्क प्ले करके, इससे पहले कभी किया नहीं इतना डार्क, इतना डीवियस, इतना ईविल, एंड दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड आई एम ओनली ग्रेटफुल टू गॉड टू you know help me get chandralekha, you know, it's beautiful. Exactly. And well, agar look ki baat karu to kafi keher barsane wala look bhi hai aap, hai na? So kya kuch kahoge jab aapko ye look dikha to kya socha tha aapne and kitna is look ko aap enjoy kar rahe ho? Main to bahut enjoy kar rahi hu kyunki aap dekh sakte hain isme mere ko बहुत ही मिनिमलिस्ट तरीके से, मतलब आप ज्वेलरी भी देख रहे हो बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ है तामझाम, लेकिन ऐसे बड़ा बड़ा नहीं है। सो दे हैव गिवन मी वन बेसिक बोल्ड कलर ब्लैक एंड उस पर गोल्ड के ऐसे बोलते हैं ना, थोड़े थोड़े चीटे हैं, लाइक यू नो लिटिल एम्बेलिश्ड नेक पीस या बैंगल्स, वन रिंग, बट लेस इज मोर एंड बहुत ग्रेसफुल लग रहा है। एंड ये तो मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी पहनती थी, बट आई लव द फैक्ट दैट जिन्होंने ये विजुलाइज किया है कैरेक्टर, या जिन्होंने डिसाइड किया या जिन्होंने अग्री किया, उन्होंने मुझे एक सर्टन तरीके में देखा। जानती तो मैं हमेशा से थी कि रिद्धिमा अच्छी लगेगी ऐसे तैयार होके, लेकिन किसी ने ये ऐसा कर दिया मेरे ऊपर, इट इज़ रेयर यू नो कि ये सूट होता है रिद्धिमा पे, ये लुक ट्राई करें। एंड इट I of course always knew that it'll look nice, but somebody has to try that on me, and I'm glad they did because ये look मुझे मेरा 60% काम कर रहा है, you know, to play चंद्रलेखा better every day. आंखें इतनी beautifully attractive बनाई हैं, dark eyes, dark lips. मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने ये combination देखा है या ये ऐसे तीन पहने हुए देखा है. So this helps me do my 60% of the job because the attire is so strong, so powerful. As a character, I feel so expanded from within, like I feel so pampered because of this style. I feel immense growth within, you know, as Chandralekha, I feel that I'm boosted. So wo expansion jab feel hota hai to wo power apne aap aata hai. Main bol nahi payi jab main press conference mein thi ye. Yeah. देखिए, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मुझे ऐसा लगता है, लगता क्या है, हमारे जो जितने भी हमारे रामायण है, महाभारत है, वहाँ उठा के देख लीजिए, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, तो ये जो सृष्टि है ये एक बैलेंस है, अच्छाई है तो बुराई भी है, यिन है तो यांग भी है, तो ये कॉम्बिनेशन ही सफ़ेद और काले का है। सो व्हेन देयर इज वाइट, व्हेन देयर इज गुड एनर्जी, व्हेन देयर इज डिवाइन, देयर हैज़ टू बी सम नेगेटिविटी एज वेल, एंड दैट क्रिएट्स अ बैलेंस। यू कैन नॉट हैव ऑल गुड, बिकॉज सब गुड हो जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा या आप वैल्यू ही नहीं करोगे गुड को। व्हेन देयर इज बैड यू वैल्यू द गुड, बट विदाउट बैड गुड इज नथिंग। आर यू गेटिंग मी? सो इट बैड इज इम्पॉर्टेंट सो दैट यू कैन वैल्यू द गुड। आई फील चंद्रलेखा क्योंकि चंद्रलेखा है, इसलिए आप सुनैना को जानोगे एक रोशनी की तरह। किया है मैंने कहा, जैसे मैं बहुत इंट्यूटिव हूँ, बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं ये मानती हूँ कि हर तरह की एनर्जीज होती हैं आसपास, आप जिस जगह अपना फोकस डालोगे वो बढ़ेगा। तो अगर रात को आपने कागज को हिलते हुए देख लिया या सुन लिया और उस पर आप ग्रो करते हुए अपना फोकस डालते हो, आप देखो आपको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देंगी, या आपके दिमाग में पैटर्न चलेगा, स्टोरी होगी, लेकिन आपको और सुनाई देने लगेगा। सो व्हाट आई फील इज ह्यूमन माइंड इज वेरी पावरफुल। इफ यू डिसाइड यू हैव टू गिव योर एनर्जी टू समथिंग, इट विल ग्रो। सो यू डिसाइड विच वुल्फ टू फीड,
हर प्लेटफॉर्म पे अपने लोगों के क्राइटेरियाज होते हैं विद रिगार्ड्स टू यू नो देयर आर वेरियस क्राइटेरियाज ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. इट्स वेरी अनफेयर एज ऑडियंस दे लव दीज काइंड ऑफ शोज. यू नो उनको मिस्ट्री पसंद है, उनको फैंटेसी पसंद है, उनको मैजिक पसंद है, तो वो जनता तो आएगी क्योंकि उनकी सारी, मैंने जैसे पहले भी कहा था, उनके सारे फॉलोअर्स मुझे फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी. लेकिन कंपेयर करना बहुत गलत बात है क्योंकि ये स्टोरी अलग है, वो स्टोरी अलग है, तो आप कंपेयर किसको करोगे? अच्छा रिद्धिमा अच्छी लग रही है, ये अच्छा लग रहा है, बहुत अनफेयर है. रिद्धिमा बहुत अच्छी लग रही है, रिद्धिमा का स्वैग अलग है, उसकी उसमें उसने अपना एसेंस डाला है, इसमें मैं अपना एसेंस डाली, तो इट कैन नॉट ऑलवेज बी सेम एंड यू कैन नॉट कंपेयर इट बिकॉज द कैरेक्टर इज ओनली डिफरेंट. You know, that is entirely different. This is Dakini. So I think it's unfair. I'm 180 years old. वो कितने पुराने हैं? अच्छा, तो मैं 180 की हूँ. मैं छोटी हूँ अभी भी. चंद्रलेखा से बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत अपने आप पे भरोसा करती है, इरादों की बड़ी पक्की है, उसे जो करना है वो लक्ष्य में बस ऐसे है, और उसके लिए वो जो अंदर फायर है ना, वो कितने साल भी तपस्या कर सकती है. लेकिन मैं बोलूँ उससे मैं सीखती नहीं, मैं अपनी असल जिंदगी में भी ऐसी हूँ. आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, यू नो रिद्धिमा हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री फॉर रियली लॉन्ग एंड मुझ में बहुत फायर है, बट इट्स रेयर दैट यू काइंड ऑफ मीट द काइंड ऑफ रोल्स दैट यू नो ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू. लेकिन आई एम रेडी टू you know tapasya karne ko taiyar hu, kar hi rahi hu. Maybe that's why good things are coming my way and I'm here to stay. I will keep working on myself, I'll keep growing my, you know, rubbing off my limitations, I'll keep growing and learning. Exactly, aap industry mein itne saal se ho, ab tak kuch to kaun sa role tha, मैं जब भी कोई शो करती हूँ तो वो किरदार से प्यार तो करना ही पड़ता है. अगर मैं प्यार नहीं करूंगी तो मैं उसकी हर प्रॉब्लम कैसे समझूंगी, और अगर उसकी हर प्रॉब्लम नहीं समझूंगी तो उसे कन्विंसिंगली कैसे निभाऊंगी, कैसे ऑडियंस को कन्विंस करूंगी. तो मुझे हर किरदार से प्यार होता है, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि अब तक के जो किरदार थे उसमें सबसे ज़्यादा मेरा किरदार गुलाम पसंद किया गया, और वही सब लोग जब मुझे चंद्रलेखा के रूप में देख रहे हैं तो वो बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो मैं बस ये, मैं खुश हूँ कि दे फाइनली यू नो हैव एक्सेप्टेड मी इन सच अ बिग वे आफ्टर गुलाम, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था गुलाम के बाद तो दे अगेन वॉन्ट टू सी मी इन अ सिमिलर. अब मैं बार बार तो नहीं वो वैसे आ सकती, बट ये गेटअप में मुझे बहुत पसंद किया जा रहा है एंड आई एम हैप्पी. तो फिलहाल तो मैं यही बोल सकती हूँ, चंद्रलेखा इज माई टॉप मोस्ट फेवरेट. ऑलराइट, एंड यदि मैं इसके अलावा अगर बात करूं तो फॉलो कर, यार राजमहल से फुर्सत, मैं राजमहल में रहती हूँ, सुबह 4 बजे से उठी हुई हूँ, अभी आपके साथ हूँ, शूटिंग किया उसके बाद 4 बजे, अभी रात को मैं जाऊंगी, सुबह वापस 4 बजे उठना है. क्या कौन सा हाउस ये मैं इस पैलेस में हूँ, सीक्रेट पैलेस राजमहल. यही कि पैलेस ऑफ सीक्रेट्स यानी राजमहल देखना ना भूलें, 28 नवंबर को चंद्रलेखा आ रही है. अगर आप टीवी से हिले 8:30 बजे रात को मंडे टू सैटरडे, तो चंद्रलेखा ना